हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा ओनली एंड आई एम सैयद वनीदा शाह एंड यू वाचिंग एक्स्ट्रा ओनली। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खफा है, आई नो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है मुझसे बहुत ज़्यादा खफा है। मैंने अपने DMs को अभी अभी चेक किया था, आई वॉज सो शॉक्ड कि इतने लोग मुझे इतना मतलब मिस कर रहे हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा है कुछ लोग को, ज़्यादा ही। और कुछ लोगों ने तो मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स में लिखा है कि आप तो अपना पुराना चैनल जो है भूल गई है। मैं एक्चुअली, मुझे कसम से दिल नहीं कर रहा वीडियोस बनाने का एंड मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं सब चीज़ों पे फोकस करूँ, अपनी स्टडी पे भी और अपने दोनों चैनल्स पे। मैं दोनों चैनल्स पे वीडियोस अपलोड नहीं करी, बस अभी अभी हम रिसेंटली एक ट्रिप पे गए थे तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी ऑन माई ब्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, आई एम बैक एंड आई होप कि मैं वीडियोस अपलोड करती रहूं। सो एक्चुअली टुडे आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिंग ऑन लाल चड्ढा सिंह। बहुत ज़्यादा लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप कोई नई मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन करें एंड वी रियली रियली लाइक योर वीडियोस। जो भी आप ट्रेलर वगैरह पे रिएक्शन करती हैं तो उन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। कुछ लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को पसंद आती हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आप मुझे मिस करते हैं। मुझे कसम से नहीं पता कि मुझे भी लोग मिस करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं आपकी कमेंट्स पढ़ के। आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिंग ऑन लाल सिंह चड्ढा ऑफिशियल ट्रेलर। इसका मैंने एक भी मतलब क्लिप भी नहीं देखा। वैसे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे क्लिप्स चल रही होती है बट मैंने इसका इतना सा भी सीन नहीं देखा। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट इंप्रेशन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई ऑनेस्ट रिव्यू। आई एम सो एक्साइटेड एंड ये मूवी जो है मेरी फेवरेट एक्टर आमिर खान की है, सो आई लव दिस। ठीक है, पहले से ही मुझे पता है कि मैं पसंद करने वाली हूँ इस ट्रेलर को। ऑल टाइम ही इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, एक तो ऋतिक रोशन और आमिर खान एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। ठीक है, आमिर खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय कुमार एंड और दूसरा वो वाला आमिर खान भी, वो तो निकल गए पता नहीं क्यों, बट ये सब मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। फीमेल एक्टर्स आई थिंक दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा एंड आलिया भट्ट। आलिया भट्ट पहले मेरी फेवरेट नहीं थी बट अब हो गई है। उसके बाद भी और भी बहुत ज़्यादा हैं बट अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। बहुत गर्मी है आज, आई होप कि मैं सही देखा हूँ, पसंद आ देखे आप। हाँ, मैं खाली प्रोडक्शन जो भी हुंदा है वो हम कर दे हैं या फिर हम हवा विच ऐवें ही उड़ते फिरदे हैं यहां से वहां। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। बुद्धू हो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। आपका बच्चा अलग है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल और कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल। मैं ले लेता हूँ। ओए, तू अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है। मैं जो किया है वो हमेशा याद रखी। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ, कहती थी कि हर एक दी अपनी तकदीर होती है, के सारा कुछ लिखिया होता है। मैंने नहीं पता कितने लिखिया है सब, किसने लिखिया है और क्यों लिखिया है जो लिखिया है। रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी कहती थी कि जिंदगी गुलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे मन नहीं भरता।
अच्छा लिटरली ऑनेस्टली पहले से ही स्टार्टिंग से जैसे मैंने ट्रेलर खोला है मूवी खोलने से ही मुझे गूस पम्प्स आना स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो ऐसा क्या था इस मूवी में बट लिटरली मुझे गूस पम्प्स आ रहे हैं। और ये मूवी अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है, ये ट्रेलर आप देख सकते हैं अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है 40 नंबर पर। और ये जो उसका लास्ट क्लिप था इसमें तो और भी ज़्यादा गूस पम्प्स आ रहे थे मुझे। जब आपको किसी चीज़ में सुकून आता है या कोई चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आपके माइंड को तो आपको गूस पम्प्स आते हैं, तो लिटरली मुझे गूस पम्प्स आ रहे थे। एंड आमिर खान की एक्टिंग बहुत बेस्ट लग रही है इसमें, करीना कपूर, आमिर खान, एज यू ऑल नो करीना कपूर भी मेरी फेवरेट एक्टर है बट करीना, और हाँ मैं करीना कपूर भूल गई थी बट करीना कपूर इज़ ऑल्सो माई फेवरेट एक्टर। मूवी का ट्रेलर एक्चुअली ऐसा है कि इसमें अब मैं स्टोरी बताऊंगी तो आप लोग थोड़ा सा माइंड कर जाते कि आप स्टोरी क्यों बता रही हैं, हमने देख लिया आप क्यों बताती हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐसे बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। तो एक्चुअली इस मूवी की स्टोरी ये है, इस ट्रेलर को देख के मुझे ये लग रहा है कि इस मूवी की स्टोरी ये है कि इसमें एक बच्चा होता है जो नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, मम्मी को जो उसकी अम्मी और टीचर्स बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को जो है किसी स्पेशल स्कूल में डालें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बच्चे होते हैं। एंड आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, आई थिंक कि अब नॉर्मल बच्चे भी जो हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। आई डोंट नो कि ऐसा क्या होता है जो उन बच्चों के लिए खास स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, आई लिटरली मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि ऐसा है। एंड आई थिंक ये बात जो है, ये चीज़ जो है मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बच्चे को डिफरेंट फील नहीं कराना चाहिए, उसको भी वैसा ही फील करना चाहिए जैसे दूसरे बच्चे हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके एक्चुअली ऐसा होता है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है वैसे, मतलब मुझे देख के लग रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, थोड़ा बच्चा टाइप है बट मतलब उसमें एबनॉर्मलिटी है उसकी एक टांग में जो है डिसेबिलिटी होती है, लाइक वो सही से वॉक नहीं कर पाता। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो फौज में चला जाता है, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। और उसको करीना कपूर मिलती है एंड बोलता है, उसको प्रपोज करता है कि आई वांट टू मैरी यू, और फिर वो उसको शायद रिजेक्ट कर देती है, लग तो ऐसा रहा है बट फिर एंड में ऐसा लग रहा है कि वो शायद फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो शादी कर लेते हैं। मतलब मुझे अभी लग रहा है, मुझे पता नहीं, मैंने स्टोरी मैंने मूवी ऑब्वियसली नहीं देखी। ये मूवी जो है 11th अगस्त को रिलीज़ होगी, पाकिस्तान में ऑब्वियसली नहीं होगी मुझे लगता है। सो गाइज आई रियली लाइक द ट्रेलर, बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर था। मैं जो सबसे अच्छी बात लगी है कि इसमें ये बात है कि जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करते हैं, उनको लगता है कि वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाते, तो ये मूवी उन बच्चों के लिए है, उनको मोटिवेट करने के लिए, तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि यू कैन डू एवरीथिंग लाइक नॉर्मल पीपल्स। नॉर्मल लोग सब कुछ कर सकते हैं वैसे एबनॉर्मल लोग भी वैसा ही कर सकते हैं, यू गाइज आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। तो दिस मूवी इज़ लिटरली अ मोटिवेशनल मूवी फॉर दोज पीपल्स। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कुछ लव स्टोरीज और ये जो क्या बोलते हैं फजूल किस्म की, जो फजूल नहीं बट मतलब ये लव स्टोरीज से हटके थोड़ी मूवी है। आई थिंक इंडियंस ने आजकल थोड़ा फोकस जो है ज़्यादातर मोटिवेट करने के लिए लोगों को मूवीज़ बनाई हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आजकल जो है इंडियन मूवीज़ जो है खास करके मोटिवेट करने के लिए बन रही हैं, वो लव स्टोरीज़ वगैरह और जो होती हैं क्या बोलते हैं फेक स्टोरीज जो होती हैं वो नहीं है, जो इमेजिनरी वर्ल्ड वाली जो होती है मतलब अपने माइंड वाली, वो ये एक वो स्टोरी नहीं है जो आपके फेरी टेल्स वाले लव स्टोरीज और दैट काइंड ऑफ मूवीज़। ठीक है, सो गाइज यार दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि यू गाइज एंजॉयड। बहुत गर्मी है एंड उसलिए ही मैं वीडियोस नहीं बनाती क्योंकि बहुत गर्मी होती है इस कमरे में एंड दैट्स द बिग रीज़न आई एम नॉट मेकिंग वीडियो। मेरे पास वैसे कॉन्टेंट भी नहीं होता बट इस दफ़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट था पर फिर भी मैं नहीं बना रही थी इस चैनल के लिए। मेरे पास बहुत मसला ये है कि मेरे बार बार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पता नहीं इस एक्चुअली मसला ये आ रहा है कि मेरे बार बार एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। एंड मैं कॉन्टेंट जो है दोनों चीज़ों के लिए नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उस चैनल पर कुछ अपलोड कर रही हूँ ना ही मैं इस चैनल पर कुछ अपलोड कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पर कभी कभी मैं मेकअप ट्यूटोरियल अपलोड कर लेती हूँ, वो भी इत्तेफाक। ठीक है, सो गाइज़ या आई होप कि यू गाइज इन्जॉय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी एंड अगर हो सका तो आई विल अपलोड मोर वीडियोज एंड या गाइज बाय, टेक केयर, यू कैन सी द पसीना, या गाइज बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, सी या।